हाउ आर यू? बेचारे बोलेंगे ये तो बच्चा बात ही नहीं करता, गंदा बच्चा है ये। अच्छा अच्छा, मैं गंदा बच्चा हूँ? इतनी गंदा बच्चा है नहीं है, नहीं है ना? फिर हेलो करो सबसे। हेलो, हाउ आर यू बोलो। हाउ आर यू? हाउ आर यू? कैसे हो आप? विषय पूछ रहा है, मैंने आप सबसे पूछा कैसे हो। सो गाइस, मैं हूँ आरती, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो। हाँ जी, तो मैं लास्ट 4 डेज से गायब थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वीडियो ही शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे फीवर एंड कोल्ड हो रहा है, मेडिसिन चल रही है बट फीवर उतर रहा है, चढ़ रहा है, ऐसे ही हो रहा है। इस वजह से मैं कोई भी मतलब मेरे को 2 गोल शेयर करने थे आप लोगों से बट वो नहीं कर पाई, एक रोहिंग वाला एक ऋषि वाला, बट शेयर भी कर पा रही क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ क्या मेरी लगा सकती हूँ या मेरी क्या हालत है। बट स्टिल आज मुझे अपने घर को डीप क्लीन करना है ना, तो मैं सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को शेयर करूँ क्योंकि लास्ट मैंने डीप क्लीनिंग वाली वीडियो शेयर करी थी तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप दोबारा से डीप क्लीनिंग वाली शेयर करो शेयर करो शेयर करो। तो फाइनली आज मुझे घर को क्लीन करना ही था क्योंकि आप सबको पता है कि वेदर चेंज हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा अपना बेड शिफ्ट करना है और सब कुछ रूम को शिफ्ट करना है। होप मैं आज पूरा घर कर पाऊँ, अगर नहीं कर पाई हिम्मत नहीं हुई तो मैं इस रूम को क्लीन कर रही हूँ। तो जितना भी करूँगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो गाइस वीडियो तक बने रहिए और मेक श्योर अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और उसके साथ ही बेल आइकन है उसको हिट जरूर कर लिया ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए गाइस करते हैं घर को क्लीन और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं बेड के अलावा जो भी है अलमीरा मेरी हमारी अलमीरा और नन्नू की अलमीरा वो रूम से बाहर कर दूँ क्योंकि मुझे बेड को शिफ्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं जितना भी मेरा अलमीरा के ऊपर सामान है वो पहले हटा रही ताकि ईज़िली मैं अलमीरा को हटा सकूँ। और आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा बच्चा भी मेरी मदद करा रहा है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिव सीज़न चल रहा है और फेस्टिव सीज़न में हम शॉपिंग तो खूब सारी करते हैं कपड़ों की, जैसे कि घर की कुछ आइटम्स लेते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो घर को डेकोरेट करने से पहले हम अपने घर को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो वैसे तो रहता ही है कि वीकली या मंथ टू मंथ मेरा क्लीन करना रहता ही है, बट जब जैसे कि फेस्टिव स्टार्ट होते हैं, जैसे नवरात्र स्टार्ट हो रहे, दिवाली आने वाली है, तो मैं अपने घर को अच्छे से डीपली क्लीन करती हूँ। अभी तो मैं ये शिफ्टिंग कर रही हूँ, देन बाद में धीरे धीरे मैं अपने बेड को अंदर से क्लीन करूँगी। मेरा ऐसे ही रहता है और इससे कि क्या होता है कि एक तो मतलब हमारा घर भी अच्छा रहता है और जब कोई घर में आता है तो हमारा घर भी बहुत ही अच्छा लगता है। और बस इसी तरह से मैंने अपनी अलमीरा को बाहर कर लिया है। ये जो डस्टिंग ब्रश है इसकी हेल्प से मैं पूरे वॉल को क्लीन कर लूँगी। और जो ये वायर आप देख रहे हो ये हमारी एसी की वायर है तो इसे मतलब अभी एडजस्ट करना है, बस इसको थोड़े टाइम बाद हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि अभी तो ये अलमीरा के पीछे आ जाती थी तो हम इतना इसके ऊपर गौर ही नहीं किया, बस इसको क्लीन कर रही हूँ। और जो ये ब्रश है इस ब्रश की हेल्प से पूरे ही वॉल को अच्छे से क्लीन करना है। आनंद की अलमीरा बाहर जा रही है और वैसे मेरी वॉल इतनी गंदी नहीं है बट जो दिल का वहम होता है ना वो दूर तो भैया कैसे भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं पूरे अच्छे से मार रही हूँ ताकि तसल्ली हो जाए। जितनी भी वॉल्स है वो मेरी क्लीन है, जो थोड़े बहुत जाले होते हैं उनको क्लीन कर रही हूँ, यहाँ पर एसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। भाई ये सब चीज़ों को हमें अच्छे से क्लीन करना है। अब यहाँ पर मैं अपने ना बेड के जो गद्दे हैं उनको ऊपर धूप लगवा लूँगी थोड़ी देर, जब तक मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ और यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें कर रही हूँ। बहसबाजी भी हो रही है बेटे से क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा था, डस्ट चोरी थी इतनी, तो बस उसको थोड़ा सा डांट मार रही थी। पर मैं बेड के पेज खोल रही थी जिससे कि मुझे जो ना बोर्ड हैं वो अलग अलग हो जाए और उनको शिफ्ट करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। और ये देख लो पीछे गाड़ियाँ चलाई जा रहा है, इसका मतलब बस नहीं चलता, ये बस काम ही ना करने दे और ये अपनी गाड़ियाँ चलाता रहे। बस इस तरह से मैं दोनों साइड से खोल लूँगी। और यहाँ पर मैं झाड़ू से कोने से क्लीन करती जो बाल वाल चिपक जाते हैं
अब आप बोलोगे कि आप झाड़ू से क्यों कर रहे हो, कपड़े से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जो लकड़ होता है ना वो कई बार हाथ में घुस जाता है, तो इसलिए कोई मैं चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं झाड़ू से ही अच्छे से क्लीन कर रही थी। और यहाँ पर मैं दूसरी साइड से ही कर रही हूँ, उसे नट को रिमूव कर रही हूँ। यहाँ पर एक बवाल हो गया था, यहाँ पर मुझे दिखी एक छिपकली। मैं स्टिल अपने घर में एक छिपकली, एक चूहा तक कुछ भी नहीं रहने देती। बस मैंने साथ वाले नेबर को बुलाया कि तुम बेटे को संभाल लो, बस मैं छिपकली निकाल लूँ। और ये मेरी थोड़ी सी हेल्प कराने लग गई थी यहाँ पर, और बस यहाँ पर हमारी थोड़ी सी बातें हो रही थी। और बस ये था कि मेरे को ये था कि मैं बस छिपकली को मैं निकाल लूँगी, तुम देख लेना वो कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, क्योंकि ना मुझे सच में मैं नहीं रहने देती। वैसे जो हमारे बेड की सुगंधी थी उस साइड मैंने हटा ली है, और यहाँ पर मैं झाड़ू मार लूँगी। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ब्लैक सा लग रहा है, बट कब यहाँ पर पेंट होगा और कब मेरी जो वूल है वो चमचम करेगी, देखो कब होता है। बस यहाँ पर मैं झाड़ू मार रही हूँ। मैंने गीले कपड़े से भी ट्राई करता हटाने से, बट वो हटा नहीं। यहाँ पर मैं नन्नू को भेज देती हूँ नेबर के साथ, ताकि मैं काम ईजिली कर लूँ और छिपकली को जो है वो अच्छे से निकाल लूँ, मतलब जल्दी से निकाल लूँ। और यहाँ पर बस हमारा कबड्डी वाला खेल होता है, कबड्डी जल्दी से पकड़ो, छिपकली को जल्दी से पकड़ो। और वो सामने आप देख रहे हो, वो तो डर ही रही थी। बस मेरे को डर नहीं लगता, बस ये है कि वो अंदर बाहर वाले रूम में ना चली जाए, क्योंकि निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसी तरह से मैं धीरे धीरे देख रही थी और बेड इधर उधर कर रही थी। बस गाइस ये वीडियो आपको 30 मिनट या 27 मिनट की मिलेगी, बट इसमें एक वीडियो में पूरा पूरा दिन जाता है, पूरी मेहनत जाती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड कमेंट करके बताया करो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और बस ये देख लो, बातें करते करते हमारी जो छिपकली रानी है वो भी बाहर निकल जाएगी। ये देखो यार, कहीं ना कहीं ना गुजरते कपड़ों वपड़ों में तो भाई मेरे को लगता है डर। बस यहाँ पर अब हमारा जो सिलेंडर पड़ा इसके पीछे से ये है, बस जैसे तैसे अभी इसे निकालना है और हमें अपने मिशन में जीतना है। निकल गई फाइनली निकल रही है छिपकली, और उसे मैं नीचे तक छोड़ कर आई हूँ। यहाँ पर मैं अपने पूरे रूम की झाड़ू मार दूंगी, मोपिंग कर दूंगी अच्छे से, और जल्दी जल्दी हम अपना कर लेते हैं बेड को सेट, क्योंकि एक छिपकली की वजह से हमारा वैसे ही टाइम वेस्ट हो गया, तो हमें और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पर काम। सो गाइस, काम करते करते वहाँ सामने आप देख सकते दो होल दिख गए हैं जहाँ से निकल रही थी कीड़ियाँ। भैया यहाँ तो ना कुछ होता ही रहता है, बस सीमेंट ये है कि पड़ा था उसको मैंने घोल के यहाँ पर लगा रही हूँ। पता नहीं भगवान और क्या क्या काम करने पड़ेंगे, मुझे मिस्त्री बना दिया। चलो कोई ना, अपना ही घर है तो बस यहाँ पर मैं सीमेंट लगा रही हूँ।
लिए अंदर वाला रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है और अब मैं आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर का मैं अब सारे जितने भी हैं वॉल को क्लीन कर लूँगी, जाले वाले सब कुछ क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ मैस ही मैस है, और वही है कि कुछ भी अगर छोटा सा काम लेके बैठो तो पूरा घर फैल ही जाता है। वैसे मैं सोच रही थी एक ही रूम करूँ, बट सारा बाहर फैल ही चुका था, तो मैंने कहा भैया चलो बाहर का भी लगे आप कर ही लो, क्यों कल के ऊपर छोड़ो, भैया साथ साथ ही कर लो। तो बस मैं साथ साथ ही कर रही हूँ यहाँ पर क्लीन। ये है मेरा बाहर वाला रूम जहाँ पर मेरी किचन भी अटैच है, यू गाइस आप सबको ही पता होगा। और यहाँ की विंडो को मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से झाड़ कर, और मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम वैसे ही टॉप फ्लोर पे रहते हैं और धूल मिट्टी तो कुछ ज़्यादा ही उड़ते उड़ते सारी इधर ही आ जाती है, डेली ये डेली आ जाती है जितना भी साफ कर लो यहाँ पर। जो ब्रश था वो मेरा टूट चुका है, सो मैं झाड़ू की हेल्प से सारी वॉल को क्लीन कर रही हूँ, जितने भी जाले वाले हैं उन सबको क्लीन कर लूँगी। बस पंखा जो है वो दोनों हस्बैंड की ड्यूटी है, वो ही करेंगे। गीला कपड़ा लिया हुआ है जिससे कि मैं वॉल को अच्छे से साफ कर रही हूँ। और आप ऊपर ये वायर देख रहे होंगे, ये हमारी केबल की है और इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और ये हमारी जो वॉच लगी हुई है इसे मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से। झाड़ू लग चुकी है और अब मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ, और यहाँ पर जो मैंने कपड़ा बिछा रखा था उसे मैं साफ़ कर लूँगी, और साथ ही साथ पूरे फ्रिज को ही साफ़ कर लूँगी। और किचन के अलग से मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करूँगी कि किचन को मैं कैसे क्लीन करती हूँ। वैसे मैंने पहले भी बहुत बार की हुई है, बट स्टिल अभी जैसे कि नवरात्रि आने वाले तो मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, तभी मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी, बट फिर भी काम करना ही था, बस ये था कि फटाफट हस्बैंड जाने से पहले काम को कंप्लीट किया जाए। बस यहाँ पर मैं टीवी को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और वो आप वॉल शेल्फ देख रहे हो उसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और बस अच्छे से ये जो वॉल स्टिकर्स लगे हुए हैं वॉल पेपर लगा हुआ है इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और साथ ही साथ जो हमारे दरवाजे होते हैं उन्हें मैंने सैनिटाइज करके अच्छे से क्लीन किया है। सो गाइज़ यहाँ पर मेरी झाड़ू और डस्टिंग हो चुकी है, और बस अब आती है मोपिंग की बारी, और फटाफट मैं यहाँ पर कर रही हूँ मोपिंग, और जो सामान इधर उधर है वो मैं जब मोपिंग हो जाएगी तो लगा लूँगी, क्योंकि उसके साथ साथ रहते होता नहीं है। तो मोपिंग हो जाएगी अच्छे से, तो मैं यहाँ पर अच्छे से सेट पे कर लूँगी सारे ही सामान को।
ये है मेरे घर का फाइनल लुक, कैसे अच्छा अच्छा लग रहा है। जब हम अपनी बॉडी को क्लीन करते तब हमें इतना अच्छा फील होता है ना, ऐसे ही घर को करते क्लीन तो बहुत ही अच्छा फील होता है। सो वॉल का मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको अगर थोड़ी सी गंदी लग रही होगी भाई वो ओनर के ऊपर है, वो जब पेंट कराएंगे तभी अच्छी सी होगी। बट मैंने अपनी साइड से अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। सो गाइज फाइनली मैंने शिफ्टिंग कर लिया और क्लीन कर लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया। बस दिवाली के टाइम पे मुझे ऊपर ऊपर से करना पड़ेगा, बाकी डीप क्लीनिंग मैंने अच्छे से करी है, पूरा बेड हटाकर मॉपिंग करी है, अच्छे से पूरे जाले उतार दिए। बस ये ना पंखा रह गया जो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है, उनकी फ्राइडे ऑफ रहता है, फ्राइडे ही मैं कराऊंगी बाहर वाला अंदर वाला और बाहर वाला फैन, उनकी ड्यूटी है। और आप मेरी हालत देख सकते हो, अभी फिलहाल बज चुके हैं 6, शाम के 6 बज चुके हैं, और जो मैंने स्टार्ट किया था 12 बजे करना स्टार्ट किया था रूम को क्लीन करना, और आप देख सकते हो। और आप लोग ज़रूर बताना कि ये वाली शिफ्टिंग अच्छी, ये वाला मतलब शिफ्ट करा हुआ अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा लग रहा था क्योंकि पहले बेड हमारा इस साइड पे था, बट अब मैंने सामने कर दिया इसी के ऊपर। बस अब मेरे को स्टिकर्स लाने पड़ेंगे कुछ, जो मैं उस जो सीमेंट है उसको छुपा सकूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। बाकी अच्छे से क्लीन हो गया है हमारा बेड, नन्नू की अलमीरा अच्छे से क्लीन हो चुकी है, और बाहर का भी आप देख सकते हो, बाहर का भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस आप बाहर का देख सकते हो अच्छे से क्लीन, सोफा मैंने यहीं पे सेट करा है क्योंकि सामने टीवी दिख जाता है आराम से। बस मेरे को अब मंदिर भी क्लीन करना है, मैं कल करूँगी मंदिर को, जब ऐसा बोलूँगी तो मंदिर को क्लीन करूँगी। किचन मेरी क्लीन, मैं वैसे मेरी क्लीन है बट अच्छे से डीप क्लीन है मेरी, बट एक बार मुझे करनी है जब नवरात्र स्टार्ट होंगे, नवरात्र से पहले करना, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बस यहाँ पर इसके टॉयज़ वगैरह हैं, थोड़ा बहुत मेरा सामान है, बस यही सामान है, मिरर हो गया है क्लीन, टीवी हो गया है, बस ये होगी हमारी डीप क्लीनिंग। गाइस ये था आज का वीडियो, होप सो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिलिंग बाय बाय, लव यू, बाय।